हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेद्रे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 9 खनिज। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे खनिज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, छत्तीसगढ़ के जीडीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान, छत्तीसगढ़ में मुख्य खनिजों का भंडारण उत्पादन तथा उनके भंडारण और उत्पादन के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का क्या स्थिति है या क्या पोजीशन है, इस पर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है खनिज। जीएसडीपी स्थिर भाव में योगदान। छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों के आधार पर खनिज क्षेत्र का योगदान है आपका 23,320 करोड़ रुपए। 23,320 करोड़ रुपए का योगदान है छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में खनिज क्षेत्र का। यदि हम प्रतिशत के आधार पर बात करें तो प्रतिशत के आधार पर है 10.91%। छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों के आधार पर छत्तीसगढ़ का जो कुल जीडीपी है, उस कुल जीडीपी में 10.91% योगदान आपका खनिज क्षेत्र का है। तो इन दोनों आंकड़ों को याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के जीडीपी स्थिर कीमतों के आधार पर खनिज क्षेत्र का योगदान है 23,320 करोड़ रुपए, यानी 10.91% हिस्सा छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में खनिज क्षेत्र का है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान है आपका 9.6%, 9.6%। यानी वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत में जितने भी मूल्य के आपके खनिज का दोहन हुआ, उस खनिज के दोहन का लगभग 9.6% हिस्सा अकेले उसे छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ। देखिए, वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत में लगभग 237,000 मूल्य के खनिज का दोहन किया गया, उसमें से लगभग 9.6% हिस्सा यानी 22,743 करोड़ रुपए के मूल्य के मुख्य खनिज का दोहन अकेले छत्तीसगढ़ से किया गया। तो इस आंकड़ों को याद रखिएगा कि भारत में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का लगभग 9.6% हिस्सा योगदान आपके छत्तीसगढ़ का है। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है, यानी इस 9.6% के साथ या 22,743 करोड़ रुपए मुख्य खनिज के दोहन के साथ छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य, देखिए समझिएगा, ये खनिज उत्पादन नहीं है, ये पूरा है, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य के आधार पर छत्तीसगढ़ सेकेंड पोजिशन पर है। ठीक, पहले स्थान पर है आपका उड़ीसा, सेकंड पोजीशन पर है हमारा छत्तीसगढ़, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है, यानी छत्तीसगढ़ को एक वित्तीय वर्ष में जितना भी राजस्व प्राप्तियां होती है या राजस्व आय होता है, उसका लगभग 27% हिस्सा उसे खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। देखिए, मैंने ये जो दो आंकड़े हैं, ये दोनों आंकड़ों को बॉक्स में लिखा है, ये दोनों आंकड़े ऐसे पेटेंट प्रश्न है जो अक्सर एक साल में होने वाले आपके पीएससी या व्यापम के एग्जाम में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। अधिकतर पीएससी या तो ये प्रश्न या तो इस प्रश्न को एग्जाम में उठाते हैं। तो ये दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा कि भारत में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का लगभग 9.6% हिस्सा छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे भी इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो इसे स्पेशली याद रखिएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ खनिज राजस्व आय वित्तीय वर्ष 2016-17, वित्तीय वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ राज्य को जो खनिज से जो राजस्व आय हुई या राजस्व प्राप्ति हुई खनिज से, वो है आपका 41 करोड़ रुपए। 4,141 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व प्राप्त हुआ वित्तीय वर्ष 2016-17 में, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CMDC यानी छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना हुई है आपका 7 जून 2001 को। देखिए, इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे एक बार का प्रश्न बना था आपका, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई,
तो ऐसे जो छत्तीसगढ़ से संबंधित जो उपक्रम है, इससे भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसका भी डेट याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी आपका 7 जून 2001 को, तथा इसकी स्थापना के पश्चात इसने वर्ष 2001 में ही अपनी पहली खनिज नीति लागू की थी। ये दोनों चीज़ों को याद रखिए। अभी वर्तमान में आपके CMDC मीन्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष है आपका शिवरत्न शर्मा। ठीक, नेक्स्ट है खनिज मंत्री। खनिज मंत्री है अभी वर्तमान में हमारे डॉक्टर रमन सिंह। देखिए, छत्तीसगढ़ में जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं और उनको जो उनका विभाग का आवंटन हुआ है, इन दोनों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में आपको 3-4 कैबिनेट मंत्री का एक तरफ ऑप्शन दे देगा और साथ ही साथ उससे संबंधित जोड़ी मिलान, यानी मैच द फॉलोइंग में आपको इस तरीके के प्रश्न अक्सर देखने मिलेंगे और ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान खनिज मंत्री है आपके डॉक्टर रमन सिंह, CMDC के वर्तमान अध्यक्ष है आपके शिवरत्न शर्मा, और जो आपका छत्तीसगढ़ का जो खनिज भवन है या खनिज विभाग का जो मंत्रालय भवन है उसका नाम है आपका सोना खान। तो ये तीनों चीज़ों को याद रखिए, CMDC के वर्तमान अध्यक्ष शिवरत्न शर्मा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के खनिज मंत्री डॉक्टर रमन सिंह, और छत्तीसगढ़ के खनिज भवन का नाम है सोना खान। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास। छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना हुई या यह अधिसूचित हुआ आपका 22 दिसंबर 2015 को। छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास अधिसूचित हुआ आपका 22 दिसंबर 2015 को। देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास है क्या? ये आपका प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है प्रदेश में। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, देखिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जिसे प्रारंभ किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को यह योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत आपका खनन प्रक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक राज्य में, यानी जिन जिन राज्यों में आपके खनिज क्षेत्र का उत्खनन हो रहा है उन राज्यों में आपका DMF मीन्स डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड या फाउंडेशन, इसकी स्थापना की जाएगी। तो इसी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना की गई आपका 22 दिसंबर 2015 को। देखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना कब की गई, तो आंसर लीजिएगा 22 दिसंबर 2015 को। स्थापना कब की गई या अधिसूचित किया गया पूछा, तो 22 दिसंबर 2015, लेकिन छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास कब से प्रभावशाली है, तो प्रभावशाली पूछा तो आपको लगाना है 12 जनवरी 2015 को। देखिए, इसकी स्थापना तो हुई थी 22 दिसंबर 2015 को, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत इसे प्रारंभ किया गया था, इसमें ये डेट है जो 12 जनवरी 2015, इसे बेंचमार्क लिया गया। यानी देखिए, ये आपका जो DMF है मीन्स डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, इसके अंतर्गत आपको जो खनन क्षेत्र हो रहा है उस खनन क्षेत्र में प्रभावित व्यक्तियों और जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए इस DMF में जो रॉयल्टी दर रहती है, उस रॉयल्टी दर का लगभग 10-30% तक का हिस्सा इस DMF फंड में जमा होगा। और इस DMF फंड के आधार पर ही, देखिए जो 12 जनवरी 2015 है, ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, इसे बस एक जनरल नॉलेज के लिए इसे याद रखिएगा कि 12 जनवरी 2015 से पहले जो भी आपके खनन कार्य किए गए, जिस क्षेत्र में खनन कार्य किए गए, या जो भी व्यक्ति इस 12 जनवरी 2015 से पहले खनन संक्रियाओं से प्रभावित था, उनके विकास के लिए लगभग 40% के आसपास का आपका DMF फंड सरकार प्रोवाइड करा रही है, जबकि आपका 12 जनवरी 2015 के बाद जो भी आपके खनन क्षेत्र प्रभावित व्यक्ति या क्षेत्र है उसके विकास के लिए लगभग 10-30% का आपका DMF फंड केंद्र सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना या कब अधिसूचित हुआ, तो 22 दिसंबर 2015, जबकि छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास कब से प्रभावशाली है, तो वो है आपका 12 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब प्रारंभ किया गया, 12 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत
प्रत्येक राज्य के जिलों में DMF मीन्स डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स खनिज जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना की जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के लगभग 27 जिलों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खनिज मिलता है, तो छत्तीसगढ़ के पूरे 27 जिलों में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना की जाएगी इस प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में। ठीक, इसके अंतर्गत देखिए क्यों किया जा रहा है, खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्र के विकास के लिए। देखिए जिस भी क्षेत्र में आपकी खनन की प्रक्रिया की जाती है, जैसे समझ लीजिए कोई एक गांव है, उस गांव में यदि कोई नए प्रकार के खनिज होने की संभावना जताई गई तो उस पूरे के पूरे गांव को प्रतिस्थापित करके दूसरे जगह पे उन्हें बसाया जाता है। तो इससे क्या होता है, उस क्षेत्र के ग्रामीण प्रभावित होते हैं। यदि किसी जंगल में आपका कोई नया खनिज अनुमानित हुआ या किसी नए खनिज के होने की संभावना जताई गई तो पूरे के पूरे जंगल को काट दिया जाता है और वहाँ पर उत्खनन कार्य किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जीवन भी प्रभावित होता है और पर्यावरण में जैसे पेड़ों को काटे तो पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ता है। तो इसी के लिए ये आपका प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना लाया गया, जिसके अंतर्गत आपका जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना की जा रही है। तो प्रत्येक जिले में एक जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना की जाएगी जो इस खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति और क्षेत्रों के विकास के लिए उनके लिए शिक्षा के लिए स्कूल मुहैया कराएगा, उनके लिए सड़क बिजली स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय स्ट्रीट लाइट आदि सुविधाएं ये आपका इस फंड मींस DMF फंड जो DMF फंड केंद्र सरकार प्रोवाइड कराएगी उस DMF फंड के माध्यम से इस खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विकास कार्य किए जाएंगे। तो बस याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई और यह कब से प्रभावशाली है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का देश में स्थान खनिज भंडार। छत्तीसगढ़ का खनिज भंडार के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। खनिज भंडार के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि खनिज उत्पादन के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में पांचवें स्थान पर है। ठीक, भंडारण के आधार पर तीसरे स्थान पर जबकि उत्पादन के आधार पर पांचवें स्थान पर है। देखिए ये खनिज उत्पादन और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये खनिज का उत्पादन ये मात्रात्मक मीन्स क्वांटिटी बेस पर है, जबकि ये क्या है आपका खनिज उत्पादन मूल्य है। खनिज उत्पादन मूल्य के आधार पर छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, जबकि खनिज उत्पादन यानी कितने मात्रा में खनिज का उत्पादन किया गया उसके आधार पर छत्तीसगढ़ पांचवें स्थान पर है। नेक्स्ट, सर्वाधिक खनिज राजस्व। छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक खनिज राजस्व किस खनिज के दोहन से प्राप्त होता है ये पूछा जाए तो आप लगाइएगा कोयला। छत्तीसगढ़ को जितने भी खनिज राजस्व प्राप्त होता है उसमें सर्वाधिक हिस्सा आपका कोयले के दोहन से छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त होता है। सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त जिला यानी छत्तीसगढ़ को किस जिले से सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त होता है पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक आपका कोरबा जिले से खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है और सबसे कम प्राप्त होता है आपको सुकमा से। ठीक, तो सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त या सर्वाधिक खनिज राजस्व प्रदान करने वाला खनिज कौन सा है, कोयला। जिला कौन सा है, कोरबा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दो टेबल बने हुए हैं, एक है आपका खनिज भंडारण और दूसरा है खनिज उत्पादन। देखिए खनिज भंडारण ये कुछ खनिजों के नाम हैं, भंडारण जो कि मिलियन टन में है, देश का कुल कितना प्रतिशत भंडारण छत्तीसगढ़ में है और इस संबंधित खनिज के आधार पर छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय स्तर पर किस पोजिशन पर है या किस स्थान पर है ये टेबुलेशन मैंने यहाँ बनाया है। देखिए कोयले का भंडारण है छत्तीसगढ़ में 56036 मिलियन टन का भंडारण है छत्तीसगढ़ में कोयले का, जो कि देश के कुल भंडारण का 18.15% है। देश के कुल कोयले के भंडारण का लगभग 18.15% भंडारण छत्तीसगढ़ में है। कितना है, 56036 मिलियन टन। इस आधार पर छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है, भंडारण के आधार पर कोयले के भंडारण के आधार पर छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर है झारखंड, दूसरे में उड़ीसा और तीसरे पोजीशन पर है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, नेक्स्ट है आपका लौह अयस्क। लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का भंडारण है आपका 40-31 मिलियन टन छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का भंडारण है, जो कि देश के कुल लौह अयस्क का लगभग 19.59% भंडारण
छत्तीसगढ़ में है। देश के कुल लौह अयस्क भंडारण का 19.59% हिस्सा छत्तीसगढ़ में भंडारित है। ठीक, इसके आधार पर छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय स्तर पर इस लौह अयस्क के भंडारण के आधार पर तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर वही है आपका झारखंड, दूसरे नंबर पर उड़ीसा और तीसरे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, नेक्स्ट है चूना पत्थर। चूना पत्थर का भंडारण है छत्तीसगढ़ में 8959 मिलियन टन छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर का भंडारण है, जो कि देश के कुल भंडारण का 4.84% है। देश में जो चूना पत्थर का कुल भंडारण है उसका लगभग 4.84% भंडारण छत्तीसगढ़ में है। इस भंडारण के आधार पर, चूना पत्थर के भंडारण के आधार पर छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय स्तर पर पांचवें स्थान पर है। नेक्स्ट, डोलोमाइट। डोलोमाइट का भंडारण है छत्तीसगढ़ में 919 मिलियन टन छत्तीसगढ़ में आपका डोलोमाइट का भंडारण है, जो कि भारत में जो डोलोमाइट का कुल भंडारण है उसका लगभग 11.37% हिस्सा छत्तीसगढ़ में मौजूद है। ठीक, 11.37% हिस्सा अखिल भारतीय स्तर पर भंडारित डोलोमाइट का 11.37% हिस्सा आपका छत्तीसगढ़ में भंडारित है, जो कि अखिल भारतीय स्तर पर डोलोमाइट के भंडारण के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट का भंडारण है छत्तीसगढ़ में 168 मिलियन टन, जो कि भारत में कुल भंडारित बॉक्साइट का 4.49% हिस्सा है। भारत में कुल आपका जो बॉक्साइट मौजूद है उसका लगभग 4.5% हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो इस बॉक्साइट के भंडारण के आधार पर छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय स्तर पर चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका टीन अयस्क। टीन अयस्क का भंडारण है छत्तीसगढ़ में 30 मिलियन टन। 30 मिलियन टन का छत्तीसगढ़ में भंडारण है आपके टीन अयस्क का, जो कि भारत में स्थित या भारत में मौजूद कुल टीन अयस्क का लगभग 35.83% 35.83% हिस्सा टीन अयस्क हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद है, तथा इस भंडारण के साथ छत्तीसगढ़ टीन अयस्क के मामले में प्रथम स्थान पर है। अखिल भारतीय स्तर पर सर्वाधिक टीन अयस्क का भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है। देखिए, ये टीन अयस्क अलग है और ये टीन धातु अलग है। टीन धातु का भंडारण है छत्तीसगढ़ में 15,487 टन। देखिए, मिलियन टन नहीं है, 15,487 टन टीन धातु मौजूद है, जो कि भारत में मौजूद कुल टीन धातु का लगभग 15.41% हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद है। इसके अलावा देखिए, ये सारे आंकड़े याद रखिएगा, ये आंकड़े काफ़ी पुराने हैं और लगभग 2014 में आपका इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2014 प्रकाशित हुआ था, उसमें ये आंकड़े दिए गए थे और हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में वही आंकड़े अभी पिछले 2-3 साल से वही आंकड़े कंटिन्यू मेंशन हो रहे हैं। तो ये आंकड़े चेंज हुए नहीं हैं, बस यही आंकड़ा, एक कोयले का आंकड़ा हर वर्ष चेंज होता है, बाकी ये सारे के सारे आंकड़े सेम रहते हैं। तो भंडारण, विभिन्न खनिजों का क्या भंडारण है, देश का कितना प्रतिशत खनिज हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है और छत्तीसगढ़ का अखिल भारतीय स्तर पर क्या पोजीशन है, ये सारों को याद रखिएगा। देखिए, कोयला, ये जो कोयला है, कोयला चार प्रकार का होता है। एक होता है आपका एंथ्रेक्स, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। तो छत्तीसगढ़ में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है। लौह अयस्क, छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट, जो आपका एक होता है आपका मैग्नेटाइट के बाद सेकंड कैटेगरी होती है लौह अयस्क की, वो है आपकी मैग्नेटाइट। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आपका हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसके अलावा जो टीन अयस्क है, देखिए, ये टीन अयस्क से ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका टीन का अयस्क है। तो टीन का जो अयस्क है उसका नाम है कैसेटराइट। याद रखिएगा, ऑलरेडी व्यापम यह एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है कि टीन के अयस्क का नाम क्या है। टीन के अयस्क का नाम है आपका कैसेटराइट। उसे यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया, टीन अयस्क बोलिए या कैसेटराइट बोलिए, दोनों एक ही है। टीन के अयस्क का नाम क्या है? कैसेटराइट। नेक्स्ट,
खनिज उत्पादन, देखिए जो खनिज के उत्पादन के आंकड़े हैं ये वर्ष 2016-17 के हैं, लेकिन ये जो स्थिति है ये स्थिति आपकी 2017-18 की है। अभी हाल ही में अभी कुछ ही दिन पहले आपका जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो खनिज विभाग है उसने अपना वार्षिक प्रतिवेदन या वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 जारी किया है, जिसमें उसने ये विभिन्न पोजिशन जो है छत्तीसगढ़ का वो जारी किए हैं। और बाकी तो आपके आंकड़े 2016-17 के ही है। देखिए आंकड़े जो उसने जारी किए हैं उसमें 17-18 के भी आंकड़े जारी किए गए हैं, लेकिन वो आंकड़े देखिए जो आंकड़े जारी होते हैं उस आंकड़े जारी करने के लिए जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में, लेकिन जो इसमें आंकड़े जारी हुए हैं उसके प्रशासनिक प्रतिवेदन में उसमें आपका अगस्त 2017 के अंत तक, यानी वो आंकड़े अभी भी अधूरे हैं। तो आप उन आंकड़ों को याद मत कीजिएगा, ये जो आंकड़े 2016-17 वाले हैं इन्हीं आंकड़ों को याद रखिएगा, वही आंकड़े बाकी परसेंटेज उसमें अभी जो 2017-18 का जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है उसमें परसेंटेज सेम टू सेम दिया है, ये आंकड़े थोड़े डिफर है, बाकी ये स्थान आपका 2017-18 वाला ही बता रहा हूं मैं। देखिए खनिज, उस खनिज का उत्पादन 1000 टन में, देखिए भंडारण 1,000,000 टन में है, उत्पादन 1000 टन में है परसेंटेज, और ये है छत्तीसगढ़ का अखिल भारतीय स्तर पर स्थान। देखिए कोयले का जो छत्तीसगढ़ में उत्पादन हुआ है वो है आपका 1,39,722 टन, 1,39,722 टन का कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ में हुआ वित्तीय वर्ष 2016-17 में, जो कि अखिल भारतीय स्तर पर जो कुल कोयले का उत्पादन हुआ उसका लगभग 21.16% हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादित हुआ। अखिल भारतीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में जितने भी कोयले का उत्पादन हुआ उसका लगभग 21.16% हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादित हुआ। इस 21.61% हिस्से के साथ अखिल भारतीय स्तर पर कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहले पोजीशन पर है अभी वर्तमान में, ठीक है। 1,39,722 टन कोयले के उत्पादन के साथ छत्तीसगढ़ कोयले के उत्पादन में अखिल भारतीय स्तर पर पहले स्थान पर है। लौह अयस्क, लौह अयस्क का उत्पादन हुआ है वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31,068 हज़ार टन, 31,068 हज़ार टन का आपका लौह अयस्क का उत्पादन हुआ है, जो कि भारत में उत्पादित कुल लौह अयस्क का 16.16% हिस्सा है। इस 16.16% हिस्से के साथ छत्तीसगढ़ लौह अयस्क के उत्पादन के मामले में अखिल भारतीय स्तर पर द्वितीय स्थान यानी सेकंड पोजीशन पर है। लौह अयस्क 31,068 हज़ार टन के उत्पादन के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है इस लौह अयस्क के उत्पादन के मामले में। तीसरा है आपका चूना पत्थर, चूना पत्थर का उत्पादन हुआ छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31,919 हज़ार टन का आपका चूना पत्थर का उत्पादन हुआ छत्तीसगढ़ में, जो कि परसेंटेज अखिल भारतीय स्तर में उत्पादित कुल चूना पत्थर का लगभग 10.19% हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ। इस 31,919 हज़ार टन चूना पत्थर के उत्पादन के साथ अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ चूना उत्पादन के मामले में 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट, बॉक्साइट का जो उत्पादन हुआ वित्तीय वर्ष 2016-17 में वो है आपका 1954 यानी 1,954 हज़ार टन का बॉक्साइट का उत्पादन हुआ, जो कि देश में उत्पादित कुल बॉक्साइट का 7.92% हिस्सा है। और इस 1,954 हज़ार टन बॉक्साइट के उत्पादन के साथ अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। अगला है आपका टीन, देखिए टीन का उत्पादन यहाँ केजी में है, हज़ार टन में नहीं है, केजी में है। टीन का उत्पादन हुआ छत्तीसगढ़ में 1,220 मीन्स 12,120 किलोग्राम का टीन का उत्पादन हुआ छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2016-17 में, जो कि 100% भारत में एक अकेला लौता राज्य छत्तीसगढ़ है जिसमें टीन का उत्पादन होता है। इसीलिए पूरे के पूरे भारत का लगभग 100% अपना टीन छत्तीसगढ़ से उत्पादित हुआ, अकेले छत्तीसगढ़ में ही टीन का उत्पादन हो रहा है। तो इस टीन के उत्पादन के मामले पे अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ 1st पोजीशन पर है। नेक्स्ट मुख्य खनिजों का रॉयल्टी दर, देखिए ये रॉयल्टी दर क्या होता है,
जैसे अब छत्तीसगढ़ सरकार की जो आपका उपक्रम है मीन्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CMDC छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम, यदि यह राज्य सरकार का उपक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का उत्खनन करता है, उसका दोहन करता है, यानी यदि कोयले का उत्खनन कर रहा है तो उसका कुछ हिस्सा आपका ताप विद्युत संयंत्र में उसका यूज़ करता है, उसका कमर्शियल तौर पर उसे बेचता है तथा उससे राजस्व का तथा उससे राजस्व प्राप्त करता है, तो ये है आपके छत्तीसगढ़ राज्य के उपक्रम। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य का जो राज्य सरकार का उपक्रम भी है, केंद्र सरकार का उपक्रम भी है और निजी क्षेत्र के उपक्रम भी है, जो कि छत्तीसगढ़ में खनिज विभिन्न प्रकार के खनिजों का उत्खनन कर रहा है, उनका दोहन कर रहा है। जैसे कि NMDC दंतेवाड़ा के बैलाडीला और किरंदुल, ये इन दो खानों में आपका कंटिन्यू वर्ष 1968 से ये उत्खनन कार्य कर रहा है, उत्खनन करता है, उसका अखिल भारतीय स्तर पर उपयोग करता है। आपका जैसे मालूम होगा बैलाडीला से विशाखापट्टनम कनेक्ट है और वहाँ से जापान छत्तीसगढ़ जापान तक जाता है, तो इससे जो आय होती है वो केंद्र सरकार को होती है, राज्य सरकार को इससे किसी प्रकार की आय नहीं होती। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार के अलावा जो आपका केंद्र सरकार के उपक्रम है या राज्य सरकार के उपक्रम है, यदि वह छत्तीसगढ़ के भूभाग पर किसी भी प्रकार के खनिज का दोहन करते हैं तो उस खनिज के दोहन के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार को कोई ना कोई एक दर या कोई ना कोई राशि अदा करनी पड़ती है, तो वो होती है आपकी रॉयल्टी दर। तो देखिए रॉयल्टी दर के अंतर्गत जितना भी उसका औसत विक्रय मूल्य होता है उस खनिज का, उस औसत विक्रय मूल्य का लगभग 15-25% के आसपास एक रॉयल्टी दर केंद्र सरकार हो या निजी उपक्रम छत्तीसगढ़ सरकार को देती है। अब वो डिपेंड करता है, जैसे केंद्र सरकार की NMDC हो गई और आपका निजी कंपनी की बात करें तो जिंदल भी छोटे पैमाने पर आपका लौह अयस्क का उत्खनन करता है, तो उसको छत्तीसगढ़ सरकार को एक रॉयल्टी दर तय करना पड़ता है। रॉयल्टी दर लगभग जो खनिज का जो कुल विक्रय औसत विक्रय मूल्य होता है उसका लगभग 15-25% हिस्सा होता है। तो मुख्य खनिजों का रॉयल्टी दर, देखिए इसमें आप ये सब चीज़ याद मत रखिए, बस इतना याद रखिए कि यदि आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज का रॉयल्टी दर सर्वाधिक है, किस खनिज का रॉयल्टी दर सर्वाधिक है, तो छत्तीसगढ़ में आयरन ओर का रॉयल्टी दर सर्वाधिक है। आयरन ओर, उसके बाद है आपका कोयला के बाद है बॉक्साइट के बाद डोलोमाइट के बाद है चूना पत्थर। लेकिन सर्वाधिक मुख्य खनिज जिसका रॉयल्टी दर सर्वाधिक है वो है आयरन ओर और दूसरा है कोयला। ये दोनों को स्पेशली याद रखिएगा, ठीक है, आयरन ओर और कोयला जिसका रॉयल्टी दर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। तो ये सारे आंकड़े इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल ये आपका भंडारण से संबंधित टेबल और छत्तीसगढ़ में खनिज के उत्पादन से संबंधित टेबल और ये पोजीशन, इन सभी को याद रखिएगा, सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 जिसमें हमने अध्याय 9 खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों पर चर्चा की, यहीं समाप्त होता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।